तो ये मेरी बेटी है, इसका नाम है मारुबी, हम प्यार से इसे माऊ कहते हैं। तो ये थोड़ी तंग कर रही थी तो इसे लेकर ही शूट करना स्टार्ट किया है मैंने। और हाय हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर लॉन्ग टाइम वीडियो शूट किया है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। ये जो वीडियो है वो मैंने माइग्रेन बास्केट भी कह सकते हैं, बैग भी कह सकते हैं, मल्टीपर्पज यूज आप इसे कह सकते हैं यूज के लिए। मैंने माऊ का भी नीचे छोड़ दिया क्योंकि वो मुझे बहुत परेशान कर रही थी। और जी हाँ, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए। आपके अगर जो पूरा वीडियो देखते देखते आप भूल जाते हो लाइक करना, तो प्लीज लाइक कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप आजकल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आए। मेरा और एक चैनल है, उसे भी सब्सक्राइब कीजिए माऊ की, वहां पर मैं अपडेट डालती रहती हूँ, रिव्यू वीडियोस डालती रहती हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स डालती रहती हूँ। तो प्लीज वो चैनल भी आप एक बार चेक कीजिए, उसके लिंक पे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। और मेरे माऊ को ढेर सारा ब्लेसिंग भी दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। गाइज, हमें इस तरह की बैग बनाने के लिए चाहिए येलो कलर का माइक्रम। तो मुझे यहाँ पर डेढ़ बंडल माइक्रम लगा है और मैंने डॉटेड बीड लिए हैं ब्लू कलर के। आप कोई भी कलर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, माइक्रम में भी कोई भी कलर आप यहाँ पर ले सकते हैं। तो सिर्फ दो ही चीजें इसमें लगती है और हमेशा की तरह लाइटर और सीजर। तो चलिए फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये चार कॉर्ड लिए है येलो कलर के, और ये मेरे 3 मीटर के कॉर्ड है। तो यहाँ से मैंने ये 1.5 मीटर कॉर्ड को अलग किया है, अलग रखा है। और 1.5 मीटर के बाद यहाँ पर मैं लगाने जा रही हूँ एक नॉट, जो कि हमारा स्क्वायर नॉट है। तो देखिए, यहाँ पर मैंने ये स्क्वायर नॉट जो है लगा लिया है। तो ठीक इसी तरह से अब हम यहाँ पर और एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे, उतने ही कॉर्ड मैंने वहाँ पर छोड़े हैं। और यहाँ पर फिर से एक स्क्वायर नॉट, तो ये दो नॉट यहाँ पर हो गए हैं। इसी तरह से हमें और एक नॉट यहाँ पर लगाना है। तो यहाँ पर मैंने ये 3 नॉट लगा लिए हैं, जैसे कि मैंने आपको 2 नॉट बताए हैं उसी तरह से। अब जो है ये जो 2 नॉट है, इनके बीच के जो 4 कॉर्ड है, इनको लेके हमें फिर से नॉट लगाना है। तो ये सिक्योर हो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़े पिन्स लगाए हैं इसे। अब हम यहाँ पर फिर से नॉट लगाएंगे। सेम उसी तरह से इन 2 नॉट के बीच में नॉट लगाएंगे। अब आगे फिर से साइड वाले जो 4 कॉर्ड है इनको लेके नॉट लगाएंगे। तो हमें इस तरह से ये बेल्ट बनाना है। तो 3, फिर 2, फिर 3, इस तरह से हमें ये नॉट लगाने हैं।
गाइज यहाँ पर ये जो है हमने बेल्ट बना लिया है और ये मैंने 18 लाइन तक ये नॉट लगा कर ये बेल्ट बनाया है। अभी हमें कॉर्ड यहाँ पर अटैच करने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हम इसे साइड में रखते हैं और लेते हैं दूसरे कॉर्ड। और ये जो कॉर्ड है हमारे 1.5 मीटर के है, तो दो कॉर्ड लेंगे हम सबसे पहले। तो ये मैंने फर्स्ट कॉर्ड लिया है और यहाँ पर आप जितने भी कॉर्ड यूज़ होंगे सारे 1.5 मीटर के ही होंगे। तो मैंने दो कॉर्ड लिए हैं और इस तरह से इसे डबल कर लिया है। अब हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे, तो इस तरह से पकड़ कर स्क्वायर नॉट लगाएंगे। और इसे खींच कर टाइट कर लेंगे। और ये जो लूप होते हैं इनको नीचे खींच लेंगे, मतलब ये जो नीचे वाले कॉर्ड है इनको खींच लेंगे इस तरह से धीरे धीरे से। तो ये हमारी कॉर्ड जो है वो जॉइंट हो गई है। इसी तरह से हम और भी कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पर और एक कॉर्ड ली है, ठीक इसी तरह से सारे हम नॉट लगा कर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको और एक दिखाती हूँ। तो ये 1.5 मीटर के कॉर्ड लिए हैं हमने, इसे अब हम स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो देखिए, तो सारे कॉर्ड को हम इसी तरह से पहले जॉइंट कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से ये नॉट लगाकर दो कॉर्ड को जॉइंट किया है। अब हम ये जो नॉट है इनको जॉइंट करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ये दो नॉट लिए हैं और अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए मैंने साइड साइड से दो दो कॉर्ड लिए हैं यहाँ पर, देखिए इस तरह से। और अब हम यहाँ इसे मिलाकर यहाँ पर फिर से एक स्क्वायर नॉट लगा देंगे ताकि ये जॉइंट हो जाए। नीचे के कॉर्ड फिर से खींच लेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये जॉइंट हो गए। मैं आपको और एक दिखाती हूँ। तो ये यहाँ पर ऑलरेडी जॉइंट हो चुका है। तो मैंने और एक इस तरह से नॉट लिया है और यहाँ पर देखिए बचे हुए दो कॉर्ड है साइड वाले। तो ये दो कॉर्ड और ये जो नॉट है इसके दो कॉर्ड लेके यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे स्क्वायर नॉट। तो इसी तरह से हम जॉइंट कर लेंगे। तो इसी तरह से हमें ये सब कॉर्ड जो है वो जॉइंट कर लेने हैं। तो गाइज यहाँ पर मैंने ये इस तरह से ये जो है कॉर्ड लगाकर मैंने ये बना लिया है। और ये जो है हमने एक नॉट के लिए हमने दो कॉर्ड लेकर एक नॉट लगाया था। तो ऐसे नॉट मैंने यहाँ पर 11 लिए हैं और अब हम इसे जॉइंट करेंगे। तो उसके लिए मैंने ये जो हमारा बेल्ट है इससे मैं दो कॉर्ड लूँगी। और ये जो हमने ये लाइन बना के रखी इसमें से साइड वाले दो कॉर्ड लूंगी और यहाँ पर हम इसे नॉट लगा देंगे। तो ये यहाँ पर ये जॉइंट हो गया है और यहाँ पर ऑलरेडी हमने दो नॉट लगाए थे। तो ये सेकेंड लाइन भी यहाँ पर रेडी हो गई है ऑलरेडी।
और अब हमने ये यहाँ पर जैसे जॉइंट किया है वैसे हम दूसरे साइड में भी जॉइंट कर लेंगे। 11 नॉट का ये जो लाइन है इस तरह से दूसरे साइड में जॉइंट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए ये जो है मतलब इस बेल्ट की ये दूसरी साइड है, तो यहाँ पर भी हम ठीक उसी तरह से जॉइंट कर लेंगे। बेल्ट के जो है दो कॉर्ड ले लेंगे और ये जो हमारी लाइन बनी है इसके दो कॉर्ड लेकर यहाँ पर हम नॉट लगा लेंगे। अब दूसरे साइड से भी इसी तरह से मैंने यहाँ पर ऑलरेडी एक जॉइंट करके रखा है और इसका एंड जो है तो मैं ये दूसरे साइड में इस एंड को लगा दूंगी। इस तरह से तो ये पूरा हमारा बैक का जो है वो सर्कल बन रहा है। अभी ये बन के तैयार हो गया है, अब हम यहाँ से डिज़ाइन जो है वो स्टार्ट कर देंगे। तो ये बन गया हमारा बेल्ट और ये जो है ये सर्कल बन गया है बैक का। तो गाइज यहाँ पर देखिए हमने दो नॉट ये लगाकर ऑलरेडी ये डिज़ाइन जो दो नॉट की है बन चुकी है, ताकि हम जब हमने ये नॉट ज्वाइन किया था तब ये ऑलरेडी यहाँ पर दो नॉट की ये लाइन बन चुकी है और ये पूरा हमारा सर्कल बन के रेडी है और ये इसका बेल्ट है। तो मैंने यहाँ पर थोड़ी सी डिज़ाइन ऑलरेडी यहाँ पर बनाई है, तो हमें कुछ इस तरह की ये डिज़ाइन बनानी है। तो हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे ताकि मैं आपको फ्रेशली एक बार दिखा सकूँ। तो कोई भी एक नॉट लेंगे हम इस तरह से, तो मेरे हाथ में आता है ये एक नॉट और ये चार कॉर्ड है, तो इसे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद मेरे हाथ में आते हैं दो कॉर्ड, तो उनमें से ये जो अंदर वाला कॉर्ड है इसे ले लेंगे। उससे पहले ये जो हमने नॉट पकड़ा है उसके साइड वाला जो नॉट है इनमें से भी हम दो कॉर्ड ले लेंगे और दो कॉर्ड को हम छोड़ देंगे। तो मेरे हाथ में आते हैं इस तरह ये बीच वाले चार कॉर्ड, तो ये चार कॉर्ड में ये अंदर वाला जो कॉर्ड है इसे लेकर हम यहाँ पर पहले पाइपिंग कर लेंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे साइड से भी कर लेंगे। साइड वाला जो नॉट है उसमें से दो कॉर्ड ले लेंगे, तो यहाँ पर भी हमारे पास आ जाते हैं चार कॉर्ड। तो इनको भी लेकर इसी तरह से पाइपिंग कर लेंगे सबसे पहले। तो देखिए यहाँ पर ये इस तरह से ये पाइपिंग हमने कर ली है। अब यहाँ पर जो बीच में चार कॉर्ड आते हैं इनको हम ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम बीट। तो मैंने यहाँ पर ये ब्लू कलर का डॉटेड बीट लिया है, आप चाहे तो दूसरा कलर भी यहाँ पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि येलो कलर में तो हरे कलर डार्क जो कलर होते हैं वो अच्छे लगते हैं। तो मेरे पास ये ब्लू था डॉटेड बड़ा वाला बीट मतलब मीडियम साइज, तो मैंने ये डाला है। और ये डालने के बाद फिर से इस कॉर्ड को हम डिवाइड कर देंगे और ये जो हमने पाइपिंग की हुई कॉर्ड थी इसी कॉर्ड को फिर से टर्न करना है। तो इसके अंदर वाली ये जो पहली कॉर्ड है इसे लेंगे। और यहाँ पर पाइपिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो ये जो हमने चार यहाँ पर कॉर्ड डाले थे उसमें से हम दो कॉर्ड ले लेंगे और इनको भी इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे। ठीक इसी तरह से
ये यहाँ से भी हम पाइपिंग करके इसे कंप्लीट कर लेंगे। तो देखिए ये कुछ इस तरह से ये डिजाइन बनेगी। अब जो है ये जो कॉर्ड है इसे नीचे लेंगे और इसे ऊपर लेकर और एक बार इसके ऊपर पाइपिंग कर देंगे ताकि ये जॉइंट हो जाए। तो ये एक डिजाइन यहाँ पर रेडी हो गई है। मैं आपको और एक यहाँ पर करके दिखाती हूँ। तो ये जो नॉट है इसे लेंगे अब दूसरे साइड से भी उसी तरह से फिर से एक बार पाइपिंग कर लेंगे। अब ये मिडल वाले जो चार कॉर्ड है इनमें हम डालेंगे एक बीट। फिर से इसे डिवाइड करेंगे और जो पाइपिंग की हुई कॉर्ड थी उसे लेकर फिर से एक बार यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। दूसरे साइड से भी ठीक इसी तरह से। तो ये कुछ इस तरह से ये डिजाइन बन के आएगी और ये पूरा सर्कल हमें इसी तरह से ये डिजाइन कंटिन्यू करनी है। तो गाइस देखिए यहाँ पर मैंने एक लाइन ये पूरी कंप्लीट की है इसी तरह से डिजाइन बना के। अभी हमें नेक्स्ट जो स्टेप है नीचे की साइड में हमें इसी तरह की डिजाइन बनानी है, लेकिन उससे पहले ये जो हमारे ये पैटर्न जो हमने बनाया है उसके बीच में जो चार कॉर्ड आते हैं उनको लेके हम यहाँ पर एक नॉट लगाएंगे। और इसके बाद फिर यहाँ पर यही सेम पैटर्न हम रिपीट करेंगे। तो उसके लिए ये जो हमने नॉट लगाया है उसे डिवाइड करेंगे और ऊपर जैसे हमने किया है उसी तरह से पाइपिंग यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। मिडल वाली कॉर्ड को लेके यहाँ पर पाइपिंग करेंगे। अब दूसरे साइड में चार कॉर्ड को ही लेना है। एक कॉर्ड इस तरह से पाइपिंग के बीच में आएगी और तीन कॉर्ड जो होते हैं उनको लेके हमें इसके ऊपर पाइपिंग करनी है। तो टोटल हमें चार कॉर्ड को ही लेना है और तीन कॉर्ड को इसके ऊपर पाइपिंग करना है। अब फिर से ये मिडल में जो आता है इसमें हम डालेंगे बीट। तो मैंने ये मिडल वाले जो है चार कॉर्ड ले लिए हैं।
अब फिर से इसे डिवाइड करेंगे और ये जो हमने पाइपिंग की हुई कॉर्ड है इसे लेके यही पाइपिंग नीचे कंटिन्यू करेंगे। तो ये आधा हो गया, अब दूसरे साइड से भी इसी तरह से अब ये जो कॉर्ड है इसे नीचे लेंगे नीचे से, फिर एक बार ये फाइनल पाइपिंग। तो ये एक डिजाइन यहाँ पर बनके रेडी हो गई, दो डिजाइन के बीच में ये हमने ये पैटर्न बनाया है। तो मैं आपको और एक बार यहाँ पर दिखाती हूँ। तो ये दो पैटर्न है, इसके बीच वाले कॉर्ड लेंगे चार और यहाँ नॉट लगाएंगे। और इसे डिवाइड करेंगे और मिडल वाली कॉर्ड जो है उसे लेकर पाइपिंग करेंगे। दूसरे साइड में भी सेम। अब फिर से ये मिडल वाले कॉर्ड लेंगे और इसमें हम एक बिट डालेंगे। और फिर इसे डिवाइड करेंगे और ये फाइन फिर से पाइपिंग यहाँ पर ये कंटिन्यू करेंगे दोनों साइड से। तो ये इस तरह से दो पैटर्न के बीच में एक पैटर्न हमें बनाना है। तो मैं आपको और एक यहाँ पर दिखाती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ये जो सेकंड लाइन है हमारी वो भी कंप्लीट हो चुकी है। अब आते हैं थर्ड लाइन पर। तो जैसे कि हमने सेकंड लाइन बनाई थी उसी तरह से ये बनानी है। तो फिर से ये दो जो पैटर्न है इसके बीच के कॉर्ड लिए हैं मैंने चार, दोनों साइड से दो दो कॉर्ड, और यहाँ पर फिर से हम लगाएंगे नॉट जैसे कि ऊपर भी हमने लगाया था। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी फॉलो करनी है।
अब फिर से इसे डिवाइड करेंगे, यहाँ पर चार कॉर्ड और यहाँ पर चार, और मिडल वाला जो कॉर्ड है उसे लेकर यहाँ पर फिर से पाइपिंग करेंगे। ये थर्ड लाइन सेम जैसे कि हमने सेकेंड लाइन बनाई थी उसी तरह से बनानी है। तो मैं आपको यहाँ पर और एक पैटर्न बताती हूँ। तो ये जो दो पैटर्न है उसके बीच वाले जो कॉर्ड है चार, उनको लेंगे दोनों साइड से दो दो कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर नॉट लगाएंगे, और जैसे कि मैंने पहले बताया था उसी तरह से ये पैटर्न भी हम बना लेंगे। तो गाइस मैंने जैसे कि आपको बताया था थर्ड लाइन मैंने उसी तरह से कंप्लीट की है, और उसी तरह से मैंने फोर्थ लाइन भी यहाँ पर कंप्लीट की है। तो आपको जो है इस बैग का जितना इसकी हाइट चाहिए आप उतनी हाइट तक ये डिज़ाइन बनाकर इसकी हाइट कंप्लीट कर सकते हैं। तो मैं ये छोटी बनाने जा रही, तो मैंने ये चार लाइन तक किया है, चार लाइन के बाद में मैंने यहाँ पर नॉट लगाए हैं। तो वो किस तरह से लगाने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ पर चार लाइन ये कंप्लीट होने के बाद कुछ इस तरह से ये आते हैं कॉर्ड। तो इनको हमें एक लेवल करना है, माऊ उनको एक लेवल करना है हमें, ताकि हम नीचे इसके एंडिंग कर सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने ये जो ट्रायंगल है इसके सारे कॉर्ड ले लिए हैं, और अब इसके बीच वाले जो चार कॉर्ड है इनको लेके हम यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। फिर ये जो स्क्वायर नॉट हमने लगाए हैं इनमें से दो कॉर्ड लेंगे और साइड वाले दो कॉर्ड लेंगे और यहाँ पर और एक नॉट लगाएंगे। ठीक उसी तरह से दूसरे साइड में भी। तो ये जो ट्रायंगल है वो अभी यहाँ पर लेवल हो गया है। तो यहाँ पर ऊपर हमने एक नॉट लगाई है और नीचे हमने दो नॉट लगाई है। वाओ रिमोट रिमोट। तो गाइस ये ऊपर हमने फर्स्ट एक नॉट लगाए, नीचे दो नॉट लगाए। तो ये जो हमारा ट्रायंगल है ये अभी ये लेवल हो गया है। जैसे कि यहाँ पर देखिए सारे ये एक लाइन में सब नॉट आ रहे हैं। तो हर जगह पर इस तरह से ये हमें ट्रायंगल मिल जाएगा। तो इसे हमें नॉट लगाकर इसे कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर मैं और एक बार आपको दिखाती हूँ। ये जो लास्ट है सारे मैंने इस तरह से नॉट लगा कर ये ट्रायंगल जो है कंप्लीट कर लिए है। अभी हमें इसका एंडिंग करना है। तो एंडिंग में कुछ इस तरह से करूंगी कि ये बैग कम और बास्केट ज्यादा लगे, क्योंकि मैं इसे इस तरह से राउंड शेप में एंडिंग करने वाली हूँ इस बैग की। इस तरह से एंडिंग करने से क्या होता है, बैग तो छोटी है लेकिन स्पेसियस बन जाती है बैग इस तरह से एंडिंग करने पर। तो इसे इस तरह से स्पेसियस किस तरह से बनाना है वो आज मैं आपको बताऊंगी। तो जैसे कि हम बैग की एंडिंग करते हैं सेम उसी तरह से ही हमें करना है, लेकिन हम जो ट्रायंगल बनाते हैं साइड से वो हम कम लेते हैं, तो इस बार हम वो ज़्यादा लेंगे। तो सबसे पहले ये जो हैंडल है इसका, तो यहाँ से हम इसका पहले सेंटर निकालेंगे। तो सेंटर में आते हैं ये दो नॉट, ये वाले दो नॉट सेंटर में आते हैं। तो उसके साइड वाले मैंने यहाँ पर ये दो नॉट ले लिए, और ये सेंटर वाले नॉट और इसके साइड वाले ये नॉट। तो टोटल हमारे पास हो गए छह नॉट। तो अब मैं क्या करूंगी, दोनों साइड से एक एक नॉट ले लूंगी। तो ये सातवां नॉट है और इस साइड से सातवां नॉट।
तो बाकी सारे कोड को हम छोड़ देंगे और अभी हमें यहाँ पर इसका बनाना है ट्रायंगल। तो हमारे अभी हाथ में जो है वो टोटल है 8 नॉट। अब हम यहाँ पर 7 नॉट लगाएंगे। तो मैंने ये लास्ट वाला जो है और ये वाला, इसके बीच में हम अभी स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर हमने जो 8 नॉट थे ऊपर के, उसके दो दो साइड वाले कॉर्ड छोड़ दिए। तो यहाँ पर सेकेंड लाइन में हमें मिलते हैं 7 नॉट। तो अभी हम फिर से दोनों साइड से दो दो कॉर्ड जो है वो छोड़ देंगे और अभी हम यहाँ पर लगाएंगे 6 नॉट। यहाँ पर अभी हमने लगाए हैं 6 नॉट। तो गाइज यहाँ पर अभी हम लगाएंगे 2 नॉट। अगर कॉर्ड को कम पड़ जाए तो नीचे थोड़ा सा ऐड कर लीजिए। उसके लिए आप ज़्यादा कॉर्ड लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि लास्ट में ये थोड़ा सा कम पड़ जाता है। तो उसके लिए आप पहले से आधा मीटर 1 मीटर एक्स्ट्रा ले लोगे तो वो कोई बात नहीं है, वेस्टेज ज़्यादा हो जाता है वैसे। और अभी देखिए 2 नॉट के बीच में हम और एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों साइड में दो दो कॉर्ड छोड़कर ये इस तरह से ये ट्रायंगल बना लिया है। तो ये एक साइड से ये हमारा ट्रायंगल हो गया है। अभी सेम हमें उसी तरह से इस बेल्ट से सेंटर निकालकर यहाँ पर भी हमें टोटल 8 नॉट जो है वो लेने हैं। और यहाँ पर भी हमें उसी तरह से दो दो कॉर्ड साइड में छोड़ते हुए इस तरह से ये ट्रायंगल बना लेना है। तो गाइस देखिए, जितना हमने यहाँ पर ट्रायंगल के लिए जो लाइन हमने यहाँ पर बनाई है, उतनी ही लाइन हमें यहाँ पर बनानी है। इसका हमें ट्रायंगल पूरा नहीं करना है, क्योंकि ये पूरा ट्रायंगल अगर हमने कर दिया तो एंड हम ठीक से इसका नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पर काउंट कीजिए कि आपने कितने लाइन तक ये नॉट लगाए है, उतनी ही लाइन आपको यहाँ पर लगानी है। तो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक बनाया है और दूसरी जगह पर भी मैं सेम इसी तरह से बनाऊंगी। तो गाइस सारी जगह से इस तरह से ट्रायंगल बनाने के बाद मैंने इस बैग को जो है उल्टा किया है। और उल्टा करने के बाद ये जो हमारा ट्रायंगल है, तो ये हमारा सेंटर वाला ट्रायंगल है और ये साइड वाला ट्रायंगल है। तो इन दोनों को हम इस तरह से मिलाकर यहाँ पर जो स्टार्टिंग के 4 कोने में से जो 4 कॉर्ड है इनको लेंगे और यहाँ पर एक स्क्वायर नॉट लगाएंगे। बैक को किस तरह से एंड करना है वो मैंने काफ़ी वीडियोस में दिखाया है, तो इसलिए मैं यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ नहीं दिखाऊंगी, क्योंकि हर बार वही सब दिखाना है, सेम प्रोसीजर है। अब ये नॉट लगाने के बाद एक एक कॉर्ड दोनों साइड से छोड़ देंगे और फिर नेक्स्ट जो कॉर्ड है उनको लेंगे और ये मिडल वाली कॉर्ड हम एज इट इज़ हाथ में रखेंगे और यहाँ पर फिर से नॉट लगा देंगे और टाइटली खींच कर नॉट लगाने हैं। फिर एक कॉर्ड छोड़ देंगे, उसके साइड वाले भी एक एक कॉर्ड छोड़ देंगे और नेक्स्ट जो कॉर्ड है उसे लेकर फिर से यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो इसी तरह से ये हमें पूरा करना है, एक कॉर्ड छोड़कर नेक्स्ट कॉर्ड को लेकर। देखिए यहाँ पर एक एक कॉर्ड दोनों साइड से छोड़ दिया है मैंने। आप चाहे तो कंटिन्यू भी इसे कॉर्ड को लेकर कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर करने जा रही हूँ डबल लॉकिंग, ताकि ये बहुत ही फिनिश लुक देता है। और एक एक कॉर्ड छोड़ देंगे
इसके बाद वाले फिर से ले लेंगे। तो ये जो हमने ट्रायंगल बनाया है उसके कोने तक हमें ये इस तरह से करना है। तो ये लास्ट है, यहाँ पर ये जो कॉर्नर है वो फिनिश हो जाता है। तो ये लास्ट फिर से हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे। अगर जो मैं अभी आपको बता रही हूँ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो इसके लॉकिंग के बारे में मैंने काफ़ी डिटेल वीडियो बनाए हैं, तो आप चाहे तो वो देख सकते हैं, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो ये पूरा एक बार होने के बाद अभी ये जो स्टार्टिंग के दो कॉर्ड है इनको ले लेंगे इस तरह से, और जो कुछ हमने कॉर्ड छोड़े हैं उन कॉर्ड को लेके अभी हमें यहाँ पर पाइपिंग करनी है फिर से। अब फिर से मैंने नेक्स्ट कॉर्ड लिए है जो कि हमने पहले छोड़े हुए कॉर्ड थे उनको लेके हमें फिर से यहाँ पर नॉट लगाना है। अब इस बार हम जितने भी हमने कॉर्ड छोड़े थे वही सिर्फ कॉर्ड लेंगे, और पहले जो हमने नॉट लगाए हैं उन कॉर्ड को हम आगे डालकर जो छोड़े हुए कॉर्ड है उनको लेके यहाँ पर नॉट लगाएंगे। तो इस तरह से ना ये डबल लॉक हो जाएगा, और इसकी अंदर से इसकी फिनिशिंग जो है वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, काफ़ी अच्छी आती है इस तरह से अगर आप लॉक करेंगे तो। जैसे कि मैंने आपको ये लॉक करने की जो प्रोसीजर बताई थी डबल लॉक, मैंने उसी तरह से दूसरे ट्रायंगल को, मतलब ये जो पूरा ट्रायंगल था उसके दोनों साइड से ये डबल लॉकिंग किया है, ठीक उसी तरह से यहाँ से भी मैंने डबल लॉकिंग किया है। सॉरी मेरी बेबी की आवाज़ है। और ये बीच में जो बचता है वहाँ पर भी उसी तरह से डबल लॉक किया है। तो यहाँ पर मैंने जब नॉट ज़्यादा लिए हैं लगाने के लिए तो इसमें थोड़ा सा स्पेस बन जाता है इस तरह से। अगर आप ये जो ट्रायंगल कम ले लोगे तो ये जो अंदर का स्पेस है वो थोड़ा कम बनेगा। तो ये इसके पीछे का लॉजिक है। अब हम इसे सीधा कर लेंगे। तो अब मैंने इसे सीधा कर लिया है और आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग से ये मैंने लॉक किया है पूरा। तो ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखता है, और ये हमारा जो बैग है वो बन के रेडी है। आप इसे बैग की तरह यूज कर सकते हैं, आप इसे बास्केट की तरह यूज कर सकते हैं, आप इसे फ्लावर बास्केट की तरह यूज कर सकते हैं, आप इसमें एक्सेसरीज रख सकते हैं, आप इसे काफी तरह से यूज कर सकते हैं। तो ये मल्टीपर्पज बैग है, और थोड़ी हटके भी मैंने डिजाइन यहाँ पर ट्राई की है। तो गाइज ये था आज का हमारा माइक्रेम बास्केट बैग मल्टीपर्पज यूज का वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, साथ ही साथ बेल आइकॉन हिट कीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मेरा और एक चैनल है टू डिसेबल लाइफ, तो आप उसे सब्सक्राइब करना ना भूलिए। उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। तो चलिए मिलती हूँ विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।